क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत सही दृष्टि सही सोच राइट विजन राइट थिंकिंग के तहत आपको ऐसे अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं जिससे आपके जीवन का निर्माण होता है, आपके जीवन को सही दिशा मिलती है और आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। जो हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छे इंसानों का निर्माण करना। जब विश्व में अच्छे इंसान होंगे तो वसुधैव कुटुंबकम स्थापित होगा और विश्व शांति होगी और विश्व ये जीने के लायक स्वर्ग बनेगा। और जब बुरे इंसान ज़्यादा हो जाएंगे तो यह नारकीय जीवन हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्ग का जीवन हम जिए। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग जो है एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। व्यवहार जगत के एपिसोड होते हैं और निश्चय जगत के एपिसोड होते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय इससे जुड़ा हुआ है कि गुरुकुल शिक्षा एवं वर्तमान शिक्षा। भाई और बहन, बहुत ही सुंदर विषय है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य को मानव बनाती है। अगर शिक्षा ना हो तो व्यक्ति पशुवत हो जावे। एक सिंह का बच्चा जो है भेड़ियों के साथ के अंदर बचपन से ही रहा और वो कई वर्षों तक वैसा रहा तो भेड़िए की जरह आचरण करने लग गया। डरा डरा सा रहता, सिंह की उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती। और एक दिन जब उसने तालाब में पानी पीते पीते अपने स्वरूप को देखा, अपनी परछाई को देखा, तो शेर की परछाई उसको लगी और उसको महसूस हुआ कि मैं तो भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। तब जब उसको अस्तित्व का पहचान हुआ तो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। तो अपने अस्तित्व की पहचान होते ही जो है उसने फिर अपना जीवन शेर के अनुरूप जीना चालू किया। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि ये जो शिक्षा है ये मनुष्य को जो है शिक्षित करती है, मनुष्य को सिविलाइज करती है, मनुष्य को अच्छा इंसान बनाती है। और उसके भीतर छिपी हुई शक्तियाँ जैसे उस भेड़िए को, उस शेर को जो भेड़िए में भेड़िए के रूप में मानता हूँ, जो अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। तो शिक्षा हमारे भीतर जो अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह संभावना हैं, उनको बाहर ला करके उनको उजागर करती है और व्यक्ति को सक्षम बनाती है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति अपने अहंकार को शून्य करे, विनयशील बने, वो डिसिप्लिन रूप से हो और परोपकार करे, लोगों का भला करे। इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। लोगों का अनिष्ट करे वो शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षा है, वो पशुता का जीवन है। मनुष्य और पशु के बीच में क्या डिफरेंस है कि मनुष्य जो है वो मानववादी होता है और पशु जो है वह उसके कोई नियम नहीं, उसकी कोई सोच नहीं है, वो किसी को भी मार सकता है। उसके मन में चिंता नहीं है, उसके मन के अंदर ये चिंतन नहीं है कि किसको बेटी देनी है किसको नहीं देनी। वो तो जैसे आए स्वतंत्र कर देता, उसका स्वतंत्र चिंतन नहीं है। तो शिक्षा है मनुष्य को एक ढांचे में डालती है ताकि कि वो एक अच्छा इंसान बने, मानवता पैदा करती है। अब देखिए शिक्षा की दो प्रणालियों की बात मुझे करनी है। एक तो गुरुकुल शिक्षा। पुराने जमाने में चार आश्रम होते थे। कौन से आश्रम होते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 वर्ष की उम्र तक होता था, दूसरा गृहस्थ आश्रम होता था जो कि 50 वर्ष की उम्र तक होता था, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता था 75 वर्ष की उम्र तक होता था, और चौथा संन्यास आश्रम था जो 100 वर्ष की उम्र शवेत जीवनम मतलब शरद जीवनम 100 वर्ष लोगों का जीवन क्रम था। तो ये आश्रम व्यवस्था थी और उसके बाद में वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर चार वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण शिक्षा लेते थे, लोगों में शिक्षा बांटते थे, पढ़ाते थे, सारा शिक्षा का ज्ञान का काम ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय थे जो कि वो जो है भालू
जो जो है भाले और उसके बाद के अंदर ये तलवार और जितने लड़ाई के साधन है वो शिक्षा लेते थे लड़ाई की, और अपनी जो लड़ाई झगड़ा जितना भी होता था उसको बुझाते थे, और जितनी हमारी शरदें होती थी उन शरदों को प्रोटेक्ट करते थे, और जो है वो आंतरिक रूप से जो है सुरक्षा का काम क्षत्रिय किया करते थे। सारी सुरक्षा जो है वो क्षत्रिय जाति के लोग करते थे। और तीसरा होता था वैश्य, जो हमारा जीवन चलता था, जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान है, एक वस्तु को बेच के दूसरी वस्तु ले ली, चीज़ों को बेचना, हिसाब किताब रखना, ये सारा वैश्य लोग किया करते थे। और सेवा का काम जो है हमारी परिवार व्यवस्था के अंदर, हमारी वर्ण व्यवस्था के अंदर, हमारी आश्रम व्यवस्था के अंदर, सारी सेवा काम शूद्र किया करते थे। तो वो सफाई का है वगैरह है, ये सब काम है, और ये हरेक का काम अपना अपना आवंटित था और उसके अनुरूप काम करते थे। गुरुकुल प्रणाली में क्या करता था, गुरु हुआ करते थे, गुरु के आश्रम जो है नदी के किनारे होते थे, प्राकृतिक वातावरण के बीच में होते थे, वो कुटिया में रहते थे, उनका जीवन सहज था, बिल्कुल प्रकृति करीब था, प्रकृति के ही कंद मूल वगैरह खाते थे, शुद्ध हवा थी, और उसके बाद में सब प्रकृति के जीवों को निहारते थे। मोर नाच रहे हैं, पपैये बोल रहे हैं, और नदी कल कल कर झरना कल कल बह रहा है, उसके किनारे पर उनका फूल खिले हुए हैं, और उस किनारे पे वो बैठते थे। और चारों वर्ण के लोग, जैसी जैसी शिक्षा होती थी उस शिक्षा के अनुरूप जो है गुरु उनको जो है शिक्षा देते थे। वो ब्राह्मण को ब्राह्मण की शिक्षा, क्षत्रिय को क्षत्रिय की शिक्षा, वैश्य को वैश्य की शिक्षा, शूद्र को शूद्र की शिक्षा देते थे। और उस शिक्षा का नाम था गुरुकुल प्रणाली शिक्षा। उस शिक्षा की सबसे बड़ी क्या व्यवस्था थी, उसके हाथ में ये था इसको अच्छा इंसान बनाना, इसके अंदर विनय के गुण भरना, इसके अंदर अनुशासन के गुण भरना, ताकि 25 वर्ष का हो जावे और गृहस्थ में प्रवेश करे तो एक अच्छे इंसान के रूप में प्रवेश करे, जिसके अंदर अहंकार ना हो और जिसके अंदर कोई बुराई ना हो और जिसके अंदर विनय की भावना हो, सरलता की भावना हो, नम्रता की भावना हो, सहनशीलता त्याग की भावना हो, यानी जितने मानवीय गुणों का आरोपण करते थे, हमारे जितने भी सांस्कृतिक मूल्य है, मानवीय मूल्य है, उन सब मूल्यों का बीजारोपण जो है गुरुकुल प्रणाली में होता था। मात्र शिक्षा ही नहीं बल्कि उसका भावनात्मक विकास कर दिया जाता था, उसको इमोशनल कोशेंट है, क्रोध मान माया लोभ उसका उपशम किया जाता था। ये बुराई है, इस बुराई को दबा के रखो, और बुराई को कैसे दबाना उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। हर शिक्षा के साथ ये बताया था कि बताया जाता था क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करनी चाहिए, और आवश्यकता अत्यधिक संग्रह करके लोभ की वृत्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी उसका भावनात्मक विकास किया जाता विद्यार्थी का था। तब जब वो गृहस्थ में प्रवेश होता था तब एक बहुत ही सुशिक्षित और जो है कषाय उपशमन वाला व्यक्ति होता था, और तो ताकि उसका जीवन इतना सुंदर होता था कि किसी तरह की गृहस्थ जीवन विकृति नहीं आती थी। वो अपने माता पिता की सेवा करते थे और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बच्चों का अच्छा पालन पोषण करते थे, और समाज में जितना कार्य करते थे वो निरंकारी होकर के सेवा भावना से और सहनशीलता के गुणों से, सम्मान प्रेम वात्सल्य के गुणों से, वो अच्छा इस तरीके से कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समाज चलता था। अब मैं वर्तमान शिक्षा की बात करूं, वर्तमान शिक्षा में एक दूषण आया, एक विकृति आई, एक जो भावनात्मक विकास है उसकी तरफ, जो मुख्य विकास है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी क्या हुआ कि विज्ञान आ गया, और विज्ञान के अंदर इतनी विद्याएं आ गई, पहले लिमिटेड विद्याएं थी, लेकिन अब वो उसका दायरा बढ़ गया जब विज्ञान का, तो एक विद्या की सैकड़ों सैकड़ों तक विद्या आ गई, स्पेशलाइजेशन हो गया, और साथ में वो तथ्य जो है
गूगल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से मिलने लगे। पहले तो क्या है, गुरु के मुखारविंद से विज्ञान इतनी तरक्की नहीं थी। गुरु के मुखारविंद से जो निकलता था और उसको सुन करके पढ़ करके ही विद्यार्थी हृदयंगम करता था और उसके साथ भावना जुड़ी हुई थी, भाव शुद्ध रखता था। भाव शुद्धि अब गौण हो गई और मात्र तोता रटंत हो गई। और जब क्योंकि ज्ञान अधिक मिलने लगे तो व्यक्ति अहंकारी हो गया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया कि विद्यार्थी अहंकारी हो गया और गुरु शिष्य का जो संबंध था वो खंडित हो गया। आज गुरु भी कॉमर्शियल हो गया और विद्यार्थी भी कॉमर्शियल हो गया। उनके बीच में गुरु शिष्य जैसी नम्रता वात्सल्य बिल्कुल नहीं रहा। तो हर एक जो है मनी माइंडेड हो गया। जो टीचर है वो भी समझता है मुझे ज़्यादा ज़्यादा वेतन मिले उसके लिए हड़ताल करता है, और स्टूडेंट भी क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, इधर उधर ऐश मौज मजा मस्ती करना चाहता है। तो गुरु भी नहीं रोकता है क्योंकि वो स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो क्योंकि उसको रोका जाता है तो एजिटेशन करते हैं, हड़तालें करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, तो गुरु भी उनकी तरफ ध्यान। इस तरीके से जो सारी शिक्षा, फिर डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरी, वो मात्र डिग्री होगी। हमने विद्वान तो बहुत पैदा किए पर वो विद्वान कैसे, अहंकारी विद्वान। और पहले एक भी अहंकारी विद्वान पैदा नहीं होते, सारे पंडित पैदा होते थे। पंडित कौन होता है, जिसमें भावनात्मक विकास होता है, जिसका क्रोध मान माया लोभ शांत होता है, कषाय शांत होते हैं, राग द्वेष शांत होता है, वह पंडित कहलाता है। और जिसके राग द्वेष उग्र होते हैं वो विद्वान होता है, तो उसका दुरुपयोग करता है। वो समझता है कि मेरे जैसा तो कोई विद्वान है ही नहीं, वो तो किसी की बात भी नहीं सुनना चाहता, अपनी बात कोई तवज्जा करता है और कोई अच्छी बात बताता है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उसके भीतर अहंकार है, मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आजकल इतना अहंकार बढ़ गया कि एक पोता, एक दादा अपने पोते को कहता है कि इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करो, ईश्वर की भक्ति करो और भगवान की, भगवान के जो भी अपने अपने मंत्र है, जिस जिस जो आप जैसे जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करो, चांटिंग करो, ओम नमः शिवाय की चांटिंग करो, नवकार मंत्र नमो रिंताणम नमो सिद्धाणंग नमो आर्याणंग नमो ज्ञानंग नमो लोहे सभ्य सावणत ऐसो पंच नमुक्कारो सब पापनासनो मंगलाणंग च सभ्य सिंह पड़मंग हवई मंगलम, इस मंत्र की चांटिंग करो, गुरु को प्रणाम करो और अपने भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद नाश्ता करना। सबसे पहले प्रभु भक्ति करनी, उसके बाद नाश्ता करना। जो बात बताई जाती है वह सुनने कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है कि आज कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है और कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, घर में कुछ कहे तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। उसकी जो माँ कहने को आ जाती है, एक बच्चा तो रात में देर तक पड़ा हुआ, आप इसको जल्दी उठने की बात कर रहे हो, इसके तो स्कूल के लेट हो रहा है, तो ये कब मंत्र का उच्चारण करेगा, यूं करके सारा सिस्टम बिगड़ गया, मनमानी चालू हो गई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थी को अहंकारी बनाया और उसका भावनात्मक विकास रुक गया। सबसे बड़ा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष आया है, भावनात्मक जो है वो विकास रुक गया। तो अब हमें निराश नहीं होना है, हमें पुनः हमारे मूल्यों की स्थापना करना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का हम दोष नहीं देते हैं, क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ी हुई है, वो तो रहेगा, वो हमारे हाथ में आमूलचूल परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं है। परंतु हम तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को इसके साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल के अच्छे अच्छे सूत्र थे, उन सूत्रों को याद करो। सबसे बड़ा सूत्र ये है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। विद्यार्थी ये चिंतन करे कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लाकूं भाए बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए, यानी गुरु के प्रति जो है
भावना को पैदा करना है अच्छा, ताकि वो शिक्षा जितनी बताए उसका नज़रिया अच्छा रहे, वो उस गुरु के द्वारा दी गई उसके मुखारबिंद से निकली हुई जो है उस शिक्षा को आत्मसात बढ़िया से करे। और दूसरा, हम स्पिरिचुअलिटी लाना चाहते हैं। पहले क्या था कि हमारी शिक्षा में स्पिरिचुअलिटी को स्थान था, वो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई। हम तो इतने नरम धर्म निरपेक्ष क्या हो गए, वो छंकल हो गए। धर्म निरपेक्षता अच्छी है। धर्म निरपेक्षता ये नहीं कहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी को जीवन मत लाओ। धर्म निरपेक्षता ये करती है कि सर्वधर्म संभाव करो, सारे धर्म के लोग एक साथ जिए, इस तरीके की ऐसी नीति बनाओ, एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करके और शांति से कोई रास्ता निकाले। सभी धर्म के लोग सभी धर्मों को आदर करो, क्योंकि धर्म बुरा है ही नहीं। हर धर्म के जो अपने संस्थापक ने अच्छी बात की हो, क्योंकि अच्छी बात इसलिए की वो भीतर जगत के अंदर गए, वो शब्दों से परे गए और उन्होंने अल्टीमेट ट्रुथ को पकड़ा, उन्होंने कुदरत के कानून को पकड़ा, उन्होंने सनातन सत्य को पकड़ा, उन्होंने दृष्टि को पकड़ा, सबको एक जैसी मिली। तो भाषा मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे अभिप्राय में कोई फर्क नहीं है। आप बोलोगे तो आपके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका अभिप्राय अच्छा है तो अभिप्राय में, भावों में कोई फर्क नहीं आता है। तो कुल मिला करके हमारी भाव शुद्धि को हमें बढ़ाना है, और जब भाव शुद्धि होगी तो व्यक्ति को, हमें कुल मिला करके निरंकारी जो है, हमें एक स्टूडेंट पैदा करना है, निरंकारी शिक्षक पैदा करना है, ताकि ये अहंकार हमारे समाज में जाए। हमारे समाज को जो विघटित करने वाला ईगो है, अहंकार है, कषाय है, राग द्वेष है, क्रोध है, मान माया लोभ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जोड़ करके निरंकार को स्थान दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति उससे विद्वान बन के आएगा वो दूसरों की बात को भी सम्मान करे, क्योंकि दुनिया तो सबकी है, दुनिया अकेले की थोड़ी है, दुनिया तो सबको जीने के लिए। हमें अनेकांतवादी बनाना, लोगों को एकांतवादी नहीं बनाना। अनेकांतवाद एक अमृत है। अनेकांतवाद की थ्योरी क्या है कि किसी दृष्टि से जो मैं कह रहा हूँ बात, वो सही हो सकती है। आप देखें मेरा दृष्टिकोण है, मेरा अभिप्राय है, मेरा चिंतन है, और एक दृष्टि एकांतवादी क्या कहती है, मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरे धर्म का पालन करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और धर्मों में मुक्ति नहीं है। ये अनेकांतवादी, ये एकांतवादी है। आप बहुत सही बात कह रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप निरपेक्ष हो गए, आप एकांतवादी हो गए, तो आप मिथ्या हो गए, आप झूठ हो गए, और मेरे दृष्टिकोण के अंदर बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है। पर मैं तो सापेक्ष दृष्टि से कहता हूँ कि मेरा ये, मेरा भी ये धर्म है। आप कहते हो मेरा ही धर्म है, मैं कहता हूँ मेरी भी ये चिंतन जी, ये विचारधारा है। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। तो मैं अगर मान लो बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है, तो भी मैं सापेक्ष होने से मैं सही हो गया, और आपकी बिल्कुल सही है, आप निरपेक्ष होने से ही लगने से आप गलत हो गए, और भी लगने से मैं सही हो गया। तो इसीलिए जीवन के अंदर अनेकांत को स्थान दो, क्यों, किसी न किसी दृष्टि से कोई न कोई बात, हर एक बात सत्य होती है, हर एक का दृष्टिकोण होता है, किस दृष्टिकोण से कही जाती है, किस अभिप्राय से कही जाती है, और उस बात को किस अभिप्राय से लो। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो दवाई लेते हैं, उस दवाई के अंदर विष मिला हुआ रहता है, वह विष भी जो है हमारी सेहत के लिए काम करता है, थोड़ी मात्रा में होता है। तो ये एक अभिप्राय हुआ, विष तो व्यक्ति को मार देता है, लेकिन वो दवाई के अंदर अभिप्राय अफीम टाइप मिलाया जाता है, वो विष टाइप होता है, तो वो व्यक्ति को स्वास्थ्य देता है। हर चीज़ का अभिप्राय होता है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम कोई चीज़ अधिकता में उपयोग में लेते हैं, अहंकार के रूप में
उपयोग लेते हैं वो खराब हो जाती है, और निरंकार के रूप में जो बात की जाती है वो बात जो है लोगों को अच्छी लगती है कि ये बात कह रहा है, ये कोई तथ्यात्मक बातों में सुनना चाहिए। और अहंकार के वशीभूत, अहंकार की वाणी के अंदर, घमंड के अंदर कोई व्यक्ति बोलता है, कोई उसको सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह जो वो चार्ज हो जाती है अहंकार से, वो चार्ज हो जाती है क्रोध मान माया लोभ से। तो कुल मिला करके मेरी बात का अर्थ ये है कि हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर जो भावनात्मक विकास रुक गया है, जो भाव शुद्धि रुक गई है, और उस भाव शुद्धि कारण में अहंकारी विद्यार्थी, अहंकारी विद्वान, अहंकारी इंसान पैदा हो रहे हैं, जो सोसाइटी में जाके विघटन करते हैं, सोसाइटी में जाके बखेड़ा खड़ा करते हैं, और जो एडजस्ट नहीं होते परिवार में। देखिए, कोई भी अहंकारी होगा व्यक्ति न तो परिवार में एडजस्ट होता है, न समाज में एडजस्ट होता है। जब ऐसे लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो समाज है वो बिगड़ जाएगा, उसका बंटा धार हो जाएगा, समाज जो है वह गंदा हो जाएगा। हमें समाज को गंदा नहीं करना, हमें देश को, राष्ट्र को, विश्व को गंदा नहीं करना है। तो उससे हमें जो है भाव शुद्धि को स्थान देता है वो गुरुकुल प्रणाली में है। गुरुकुल प्रणाली में सबसे पहले अहंकार रूपी जहर की थैली को काट दिया जाता है, उसको कुचला जाता है। और हर महान व्यक्ति ये कहता है कि अपने अहंकार को कुचलो। और ये अहंकार क्या है? यही तो अज्ञान है, यही तो हमें स्वरूप की जागृति नहीं होने देना। ये गया और आप अपनी स्वरूप में जागृत हो गए, आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाए। हमें कौन रोक रहा है मुक्ति में जाने को? हमें मुक्ति में जाने को अहंकार रोक रहा है, हमें राग द्वेष रुकता है। ये राग द्वेष रूपी वेल्डिंग है, राग द्वेष रूपी जो हमारा जो अज्ञान है वही हमको रोके रखा है, वही हमको ये शरीर और मतलब कार्मण शरीर, मूल कार्मण शरीर है, उससे स्थूल शरीर आया। तो उसका जो रूट कॉज है वो हमारी कॉजल बॉडी है, वो कॉजल बॉडी से ही सब कुछ मिलता है। उस कॉजल बॉडी को ख़त्म करने के लिए वो हमें अहंकार के वेल्डिंग को मिटाना है, यानी हमें अज्ञान के वेल्डिंग को मिटाना है। तो जब गुरुकुल प्रणाली हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इंट्रोड्यूस हो जाएगी, हमारे पुराने मूल्य जो वर्तमान मूल्यों के साथ में जुड़ेंगे, बहुत ईजी है, क्योंकि वो जीवन भी हमने ही जिया था। कोई गुरुकुल प्रणाली बाहर से नहीं आई है, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी हमने स्थापित की है, कोई बाहर से नहीं है। एक थोड़ी वैज्ञानिक पद्धति हो गई है कि विज्ञान की तरक्की, हम विज्ञान को बुरा नहीं कहते, हम तो संतुलन में विश्वास करते हैं, हम सामंजस्य में विश्वास करते हैं, हम तो कह रहे हैं सब चीज़ अच्छी है। आप जो है अनेकांत दृष्टि रखो, हर चीज़ अच्छी है। भगवान ने सृष्टि के अंदर एक रेत का कण भी बुरा नहीं बनाया। वो बुरा कब होता है कि हमारा अहंकार का नज़रिया उसको बुरा करता है। हमारे जो ये दो चश्मे हैं, एक राग का चश्मा और एक द्वेष का चश्मा, इन चश्मे को लगा के हम देखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति या तो प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है, या तो लाइक होता है या डिसलाइक होता है, या अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। आपने इस चश्मे को उतार दिया और आपने सामने वाले व्यक्ति को तीसरे नेत्र से देखता, समता भाव से दिखा, तो न्यूट्रल भाव से देखा, तो ना तो प्रियता है ना अप्रियता है, वो मानव जैसा दिखेगा, वो इंसान जैसा दिखेगा, आपके जैसा दिखेगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, यही तो इसीलिए हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रियल दृष्टि क्या है? रियल दृष्टि यह है कि तुम्हारा स्वरूप है वो निरंकारी है, तुम्हारा जो मूल स्वभाव है वो स्वभाव है अनंत शक्तियों वाला है, और वो अनंत गुणों वाला है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो है शक्ति और अनंत सुख का भंडार का तुम्हारा स्वरूप है। वो स्वरूप को बिगाड़ा किसने? उस स्वरूप को बिगाड़ा है अहंकार दृष्टि ने, उस अज्ञान ने बिगाड़ा है। उस अज्ञान को हटा दो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और उस अज्ञान को हटाने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में हर हालत के अंदर हमारे मूल्यों की स्थापना करनी पड़ेगी, हमारी भाव शुद्धि करनी पड़ेगी, हमें भावनात्मक विकास करना पड़ेगा। और वो भावनात्मक विकास का रोल मॉडल है वो गुरुकुल प्रणाली है,
कि आपस में संबंध अच्छे बने, स्टूडेंट से स्टूडेंट के संबंध अच्छे हों और स्टूडेंट और टीचर के संबंध सहानुभूति के हों, प्रेम और वात्सल्य के हों, यानी कुल मिलाकर के ये प्रेम, वात्सल्य, करुणा, मैत्री, ये जो हमारे मानवीय मूल्य है उनकी स्थापना करनी पड़ेगी। उनकी स्थापना करने से जो हमारे अवमूल्य है उनको स्थान नहीं मिलेगा। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, 18 तरह के दोष, उनको स्थान नहीं मिलेगा। और ये हम चाहते हैं, हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम तो अपनी दृष्टि को बदलना चाहते हैं कि अच्छे मूल्यों को हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर डालो। शिक्षा प्रणाली अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा लेने वाला है वो किस भावों से ले रहा है। उन भावों को ठीक करना है, भाव शुद्धि करनी है। भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। हम भाव भावांतर के अंदर क्यों घूमते हैं, इस भावों के कारण ही गुजरते हैं। अगर हम शुभ भाव करते हैं तो हमारा अच्छा फल मिलता है, यानी अच्छा जन्म मिलता है। अशुभ भाव करते हैं, अशुभ जन्म, नारकी का जीवन मिलता है, तिर्यंच का मिलता है। और शुभ भाव करते हैं तो मनुष्य की गति मिलती है और देवता की गति है। सब कुछ खेल भावों का ही है। व्यक्ति भावों के द्वारा ही मुक्त हो सकता है। अच्छे भावों को, अच्छा इंसान अच्छे भावों से बनता है। भाव के लिए कहा गया है, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए हमें भाव शुद्धि, हमारे भीतर के चिंतन को अच्छा करना पड़ेगा। वहीं से ही हमारा सारा व्यक्तित्व बनता है। तो उस पर नियंत्रण करेगा कि भीतर से ही आप अशुभ मत सोचो, अशुद्ध मत छोड़ो, शुद्ध सोचो। न तो शुभ सोचो न अशुभ सोचो, शुद्ध सोचो। शुद्ध चिंतन क्या है कि मेरा स्वरूप है वही शुद्ध है, और इसके साथ पुण्य और पाप है उसको भी हटाना है। बिल्कुल एब्सोल्यूट शुद्ध स्वरूप को समझना है। वो क्या है कि मैं तो अमूर्त हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व, हर व्यक्ति, हर चिंतनशील प्राणी जब ये सोचने लग जाएगा कि मेरा अल्टीमेट स्वरूप क्या है, वो अमूर्त है और वो विशुद्ध है। विशुद्ध कैसा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। और जब ज्ञान को आप हृदयंगम कर दोगे, आत्मसात कर लोगे, वो दृष्टि को प्राप्त कर लोगे, तो आपकी सृष्टि बन जाएगी। और जो अच्छी दृष्टि के साथ जीता है उसकी सृष्टि अच्छी बनती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगलमय। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।